पे गैस ऑन कर दूंगी, दूध जो है पकता रहेगा स्लो मोशन में, और मेरा आप सबसे बात भी हो जाएगा, बॉटल भी मैं रख दूंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। ब्लॉग विद पपिता चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि वीडियो में क्या क्या हमने शूट किया है, क्या क्या डाला है। तो ज्योति यहाँ बर्तन धुल रही है और मैं यहाँ पे फर्श जो है क्लीन कर दे रही हूँ। सोच रही हूँ आंगन गीला है, ज्योति पानी साफ़ कर देंगी, और वैसे तो फिर मुझे अलग से पानी आंगन के पूरा साफ़ करना होता है, और ज्योति अगर बर्तन धुल रही हैं तो आंगन वो ऑलरेडी वैसे भी साफ़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फर्श है वो क्लीन हो चुका है, और उसके बाद हमारे बाकी बचा हुआ जितना है आगे का वो साफ़ कर देना है, झाड़ू लगा के पोछा लगाएंगे। बाकी फर्श हम नहीं साफ़ करेंगे, हम ज्योति का वेट कर रहे हैं। चढ़ाना था मुझे, सोच रही हूँ कि ज्योति अगर चली जाए तो मैं दरवाज़ा बंद करके छत पर जाऊँगी, पेड़ पौधों में पानी डालूंगी, और यहाँ पे मैं उनका वेट कर रही थी, वो साफ़ कर लेंगी तभी जाएंगी। तो मैंने सोचा कि अपने बालों को खुला करके यहाँ पे थोड़ा सा खोल देती हूँ और जूड़ा सा, और पानी जो है सूख जाएगा। ड्राई करने की तो बहुत विशेष ज़रूरत नहीं है, और मैं वैसे भी कपड़े वगैरह से टावल से वही ठंडी तक करती हूँ, गर्मी में तो कोई इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बाल वैसे भी गर्मी में सूख ही जाता है, आदमी सूख जाते हैं, बाल का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ज्योति का वेट कर रही हूँ, वो ज्योति जाए दरवाज़ा बंद करे तब जाए छत पे, कोई घर में रहता नहीं तो यही दिक्कत होती है। प्रिंस होते नीचे तो कह देते कि दरवाज़ा बंद कर लेते हैं तब जाए छत पे, आधा घंटा तो लगेगा ही। और यहाँ पर ढेर सारे कपड़े वगैरह रखे हैं, और देखिए कपड़े लेके जाना है, डस्टबिन लेके जाना है, चिमटी लोटा ये सारी चीज़ें मुझे एक साथ सीढ़ी पे, और ये टावल इतना चीज मुझे छत पर ले जाना है। पहले दरवाज़ा बंद कर लूँ, ज्योति जा रही हैं। तो यहाँ पे ना कितना भी आप साफ़ सफाई करो, जो मार्बल लगा दिया है उसकी वजह से थोड़ा सा गंदा हो जाता है, और मोटर रहने की वजह से वहाँ पे बराबर साफ सफाई नहीं कर पाती। लेकिन यहाँ पे जितना एरिया खाली है मैंने हारपेट डाल के सुबह वाइपर कर दिया है, टॉयलेट वगैरह साफ़ किया, और आज जैसे वेडनेसडे है टॉयलेट साफ़ करी, तो यहाँ पर बेसिन वगैरह में भी मैंने साफ़ कर दिया है। यहाँ के देख लीजिए, ये विशिंग मैंने साफ़ कर दिया है, और मिरर भी हमने साफ़ किया है, ये मिरर जो है इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है, फ्लैश लाइट जल रही है। और बेटे जी ना रॉयल को कल नहीं परसों इसको नहलाए धुलाए थे, तो अभी साफ़ सुथरे लग रही है। और जो दूसरी वाली ये है श्रेया की धन्नो, जो है स्कूल जाती थी अभी, तो उस दिन हवा भर के कल गई थी, वहाँ पे चलती नहीं है तो बराबर से हवा इसका निकल जाता है, तो ये ज़्यादातर बेटे जी ले जाते हैं, हस्बैंड कम ही ले जाते हैं, हस्बैंड जो यहाँ पे हीरो होंडा है ना उसको ले जाते हैं, वो उनकी पुरानी गाड़ी है, उनको फेवरेट है। हम लोग बोलते भी रॉयल के लेके जाइए, बेटे जी भी कहते कहते थक गए, नहीं ले जाते वो, और हालांकि उन्हीं की पसंद थी और मुझे रॉयल पसंद नहीं है। जो है देखिए अभी खड़ी है, अभी बेटे जी तो कहीं जाएंगे नहीं, शाम को जाएंगे कोचिंग वगैरह तो जाएंगे, और हम लोग मतलब उनको पसंद थी कि ये गाड़ी, तो इसीलिए ये गाड़ी लिया गया था कि हस्बैंड को पसंद है। लेकिन बस उनकी जो पुरानी गाड़ी है, कहते हैं दिल की जो करीब रहती है, जो पहले से यूज कर रहे थे वही। तो यहाँ पे फ़ैन ऑफ़ करूँगी, लाइट ऑफ़ करूँगी, और अब मैं जा रही हूँ छत पे। अभी बज रहे हैं इस टाइम कितना, मैं घड़ी देख के आपको बताती हूँ, क्योंकि अभी जिस ज्योति गई हैं बर्तन वगैरह धुल के, तो अभी बज रहे हैं 9:45, मतलब 9:45 हो चुके हैं, ज्योति बर्तन यहाँ पर धुल दी हैं, और मैंने यहाँ पर देखिए ये मग्गा मैं शुरू से यहाँ मैं पानी भर के रखती हूँ बहुत कम ही, तो यहाँ पे गंदा हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ जो पानी है वो बड़ा खारा है शायद, क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है यार, जम जाता है इस तरह से टाइल्स वगैरह में। तो मैंने बेसिन की साफ़ सफाई करी, यहाँ फर्श भी ज्योति थी तो मैंने इसको पानी डाल के धुल दिया है, और ये भी नहा धो के नहाया धो ऐसा लग रहा है पूजा हो गया है मेरा, मैंने प्रसाद भी भगवान जी को भोग लगाया है दही का, और पूजा मेरा हो गया है। भगवान जी जय भगवान जी, जल मेरा नहीं चढ़ा है तो जल चढ़ाने जा रही हूँ, ज्योति बर्तन यहाँ पर धुल दिए हैं, और मेरा खाना वगैरह भी बन गया है,
दूसरे अगले मैंने बनाया था पूड़ी, और खाना में भी ये दूध है बॉयल हो चुका है, चावल है, यहाँ पे मैंने बनाया है दाल, और ये है नेनुआ आलू की सब्ज़ी, बड़ी डाल के मैंने बनाया है, रोटी है इसके नीचे। तो खाना भी ऑलमोस्ट बन गया है। यहाँ पे सिंक में, सिंक तो वो धुलती हैं रोज़ के रोज़, लेकिन फ़िलहाल मैंने जब यहाँ नल धुलती हूँ तो मैं सिंक की साफ़ सफाई कर देती हूँ, तो यानी मेरा सिंक जो है साफ़ हो गया, नल साफ़ हो गया है, बेसिन दोनों साफ़ हो गई हैं, टॉयलेट साफ़ हो गया है, तो ये सारे काम ख़त्म हो गए हैं। बाकी मेरा काम बचा है जल चढ़ाना और आके बाल सुलझाना, और यहाँ पे गलियारा, और ये आगे का ड्राइंग रूम, और पीछे का किचन, और वो मतलब मेरा बेडरूम, ये साफ़ करना है, और मतलब इतना भी झाड़ू लगा के साफ़ करना है, पोछा लगाना है, तो फिर उसके बाद मेरा जो है काम ख़त्म हो जाएगा। अगर टाइम मिलेगा तो मैं मलाई जो मत नहीं पा रही हूँ उसको करूँगी, और उसके बाद अगर मुझे टाइम थोड़ा सा मिल गया तो फिर मैं लाइव वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती है ना, और फिर मुझे सिलाई करना है यार, अगर टाइम मिल गया तो उस काम को अंजाम दूंगी जो सिलाई का काम है, और अभी तो फिलहाल मैं छत पे चल जाऊं, नहीं तो धूप जो है इतनी कड़ाके की हो गई है भैया कि फिर दिक्कत ही दिक्कत हो रही है। बिंदी आजकल ये लगाई हूँ, बिंदी ये इस तरह से गोली सी है, कुछ चमक में है, बिंदी दिख नहीं रही है ना, रेड वाइट कलर, इसीलिए मैं कोई लाइट वाइट बिंदी नहीं लगाती, पुरानी बिंदी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। फिलहाल मैं अभी चलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चढ़ाया है भगवान जी को, दूरबा कहते हैं कि गणेश जी को बहुत प्रिय है, तो मैंने यहाँ पर गणेश जी को चढ़ाया है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ वेडनेसडे को लेके आऊँगी और भगवान जी को चढ़ाऊँगी, जो चीज़ भगवान जी को पसंद है और वो चीज़ हम कर सक पाएंगे या हमारे लिए हमारे बस में है तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गणेश जी को यहाँ पे भी चढ़ाई हूँ, बाकी भगवान जी माता रानी आप सबका भला करें, पीछे से हमारा भी भला करें। तो शाम का दिया बत्ती हो गया, मैं प्लाट से लेके आई थी दूरबा, और भगवान जी को चढ़ा दी हूँ यहाँ पे, और पूजा वगैरह कर ली हूँ शाम का। अभी फाइनली शाम का जो है पूजा हो गया है, अभी बज रहे हैं 7:15, मतलब 7:15, पूजा करते करते 7:15 हो गए होंगे, तो फाइनली पूजा हो गया है। मैं नहा भी ली थी, और नहा के बाहर जो पूजा करती हूँ वो भी कर ली हूँ, तो मोटर चला के रखी हूँ, कभी कभी शाम को अक्सर पानी आवाज़ नहीं करता तो बंद कर देती हूँ इसको। बेटे जी गए थे बाहर, बाहर से आ रहे तो वो चले गए सीधे छत पे, भैया को कह रहे हैं। तो चलिए वीडियो को इन करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि वीडियो पसंद आए, पसंद आएगा लाइक करिएगा, चैनल पहली बार विजिट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय।